गुड इवनिंग. सबसे पहले मैं हमारे मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह जी, राजीव जी और उनके साथ जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस वेबसाइट पे काम किया है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा. साथ में ये भी आप लोगों को बता दूं कि ये वेबसाइट एग्जैक्टली ढाई महीने के अंदर बनाई गई. करीबन 3 महीने पहले मैंने ऐसे ही सोचा था. अब वो कैसे सोचा था अगर मैं आपको बताऊं तो, ऐसे मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहा था, मैं टेररिस्ट के ऊपर देख रहा था, टीवी पे आ रही थी. तो उसके अंदर वो कुछ ऐसा दिखा रहे थे कि टेररिस्टों को क्या कहा जाता है. उनको कहा जाता है कि उनके जो लीडर्स होते हैं वो कहते हैं कि आप ये काम करो, यहाँ कुछ दंगा करो तो आपको, आपके फिक्र मत करो, आपके परिवार को पैसे पहुंचा दिए जाएंगे, ये सब कुछ होगा. तो वो ना जाने, मतलब बिना सोचे समझे गलत काम करने उतर जाता है और जाके गलत काम करता है, ये सोच के कि उसके घर पे पैसे पहुंचा दिए जाएंगे. तो ये उसकी शक्ति होती है गलत काम करने के लिए. तो क्यों ना हम उस नेगेटिव चीज को एक पॉजिटिव चीज में बदला जाए. उनको सपोर्ट है कुछ छोटे मोटे टेररिस्ट लीडर्स का, लेकिन हमें सपोर्ट चाहिए अच्छे काम करने के लिए. 1.25 बिलियन पीपल. सो और मैं आपको बताऊं, जब मैं किसी के कहीं पता चलता है कि ऐसा कोई हादसा हुआ, तो मैं एक सेलिब्रिटी होने के नाते, मैं कईयों को जानता हूं, तो मुझे उसका जो शहीद हुए हैं उसके नॉमिनी का अकाउंट नंबर बहुत आसानी से मिल जाता है ताकि मैं उनके वहां पैसे पहुंचा सकूं. कई बार होता है कि मेरे कुछ दोस्त होते हैं, यार वो कहते हैं तू तो सेलिब्रिटी है, तेरे को पता चल जाता है, लेकिन हमें भी पैसे देने हैं, हम कैसे दें, हमें भी मदद करनी है, हमें भी कुछ करना है, हम कैसे करें. तो ये एक चीज रही थी मेरे दिमाग में कि क्यों ना कुछ ऐसा कुछ किया जाए जो एक्चुअली में सच कहूं तो सारा देश पीपल इन यूनिफॉर्म उनके साथ जुड़ना चाहता है, उनके गम में जुड़ना चाहता है. तो ये मैंने कुछ सोचा, एक छोटा सा ड्रीम था, लेकिन ये ड्रीम को सच करने में हमारी सरकार, होम मिनिस्टर साहब राजीव महर्षि जी, इन्होंने बहुत साथ दिया. मैं हाथ जोड़ के उनसे धन्यवाद कहना चाहता हूं. आज मैं यहां एक एक्टर के नाते नहीं आया हूं. आज मैं एक्टर नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं. मेरे पिताजी आर्मी में थे, मैं उनका बेटा बन के आया हूं. सो और भी मैं कुछ और कहना चाहता हूं कि मेरे साथ कुछ इस चीज के अंदर कुछ लोग थे जो बड़े चुपचाप मेरे साथ काम करते थे, मुझे सहायता करते थे, जो कभी भी हमेशा बस चुप करके बैठना चाहते. अगर मैं उनका नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने मेरी इस चीज के अंदर मदद की, वो है मिस्टर अय्यर साहब, मेरी फ्रेंड सोनल कालरा, मेरे साथ सुधीर जी थे, और एक मेरे अच्छे मित्र अमित लोधा जी. तो इन्होंने बहुत मदद की. आज मैंने बहुत नर्वस फील कर रहा हूं और बहुत खुश भी महसूस कर रहा हूं. तो
मुझे माफ करना, मैं इतने आहिस्ते आहिस्ते बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आदत नहीं है इतने इतने सारे बड़े लोगों के सामने बात करने में, तो थोड़ी बहुत शर्म भी है और थोड़ी बहुत नर्वसनेस भी है, सो उसके लिए माफी चाहता हूँ। बाकी ऐसे मंच पे बैठना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद।